अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जम्मू कश्मीर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर समाज की सहायता की, चाहे संक्रमित को इलाज उपलब्ध करवाने की बात हो, लॉकडाउन से प्रभावित गरीबों के लिए भोजन उपलब्ध कराने की बात हो, दवाएं या अन्य राहत सामग्री उपलब्ध कराने की बात हो, ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की बात हो, युवाओं ने खुद के भी संक्रमित हो जाने के खतरे के बावजूद जरूरतमंदों की मदद की। वाकई इन कोरोना योद्धाओं का योगदान देश और समाज हमेशा याद रखेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने युवाओं के इस जज्बे की भरपूर सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया। उपराज्यपाल ने SKICC में कश्मीर लीडरशिप समिट के दौरान यंग अचीवर्स को कश्मीर यंग लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया तो बहुत सी प्रेरक कहानियां सामने आईं। उपराज्यपाल ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले युवाओं को बधाई दी और उन्हें नए विचारों और परिवर्तन के ध्वजवाहक बनने के लिए कहा। इस अवसर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, साहसिक खेल, सामाजिक कार्य, पत्रकारिता, पर्यावरण संरक्षण, कला, संगीत, महिला सशक्तिकरण आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले 46 युवाओं को सम्मानित किया गया। प्रभा साक्षी संवाददाता ने श्रीनगर में इस आयोजन का जायजा लिया और पुरस्कृत युवाओं से बातचीत की। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया एलजी साहब का, जिन्होंने आज मेरे समेत बाकी जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपने अपने फील्ड्स में एक्सेल हुए हैं उनको एनकरेजमेंट दी, उनको अवार्ड से नवाजा। कोविड के लिहाज से अगर मैं देखूं तो नो डाउट हमने पूरी कोशिश की कि जो कोविड का टाइम था वो बहुत मुश्किल टाइम था, लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। लोग क्या, हमारे हेल्थ केयर ऑफिशियल्स जो उस टाइम ऐसा सिचुएशन थी जब सब लोग डर रहे थे इन कोविड पेशेंट से, तो हमारी पूरी कोशिश रही मेरे साथ मेरी टीम की, जो हमारे CD हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के या बाकी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के, जिन्होंने कंटिन्यूसली अपनी जान की परवाह न लेके इसमें कोविड में काम किया, लोगों की मदद की, पेशेंट्स को ट्रीट किया। और आंकड़े बताते हैं कि हमारी जो स्टेट की अचीवमेंट है वो बाकी स्टेट से बहुत ज़्यादा बेहतर रही है। एक्चुअली जब से कोविड स्टार्ट हुआ था तो हमने एक कोविड वॉलंटियर का ग्रुप बनाया था, तो उस वजह से हमने जो भी पेशेंट नीडी पेशेंट थे उनको मेडिसिन प्रोवाइड की, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अगर किसी को घर में चाहिए था उनको प्रोवाइड करते थे, या कभी पेशेंट को हॉस्पिटल तक लाने के लिए हम उनके साथ गाड़ी में लेके उनको साथ आते थे। उसके बाद अगर उनको डिस्चार्ज मिलता था जाके डिस्चार्ज देते थे, या तो ऑक्सीजन सिलेंडर उनको चाहिए होता था घर में वो प्रोवाइड करते थे। खौफ वाली बात थी तो फैमिली तो डरती थी, बट क्या कर सकते, अगर हम यंग यूथ सामने नहीं आएगी तो फिर फ़ायदा क्या हमारा यहाँ जीने का। मेरे एक्चुअली वेरियस अदर एक्टिविटीज़ हैं, मुझे सोशल एक्टिविस्ट का टाइटल मिला है, तो एक्चुअली मैं एक एडवोकेट भी हूँ। मैं फ्री लीगल सर्विसेज देती हूँ वुमेंस को स्पेशली जो नीडी होती हैं, प्लस मैं एक थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ। मैंने लोकल टैलेंट को प्रमोट करने के लिए खुद की वैली से टीम तैयार की है ताकि बाहर से टैलेंट ना आए, यहाँ के बच्चों का भी टैलेंट जो है वो शोकेस हो। प्लस मैं वेरियस NGOs के साथ हूँ, जैसे कि आप देखते हैं कितनी महिलाएँ होती हैं जो बेचारी जिनके पास रोज़गार नहीं है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनके लिए कोई रोज़गार खोलना उसका इनिशिएटिव मैंने लिया है, जैसे सिलाई बुनाई की मशीनें के सेंटर्स खोलने पूरे श्रीनगर में। तो मैं वेरियस NGOs के साथ भी हूँ, एक मतलब यूथ को प्रमोट करने के लिए एक ग्रुप मैंने खोला है वैली भांगड़ा ग्रुप, और बाकी अदर एक्टिविटीज़ है जिसमें मैंने पार्ट लिया है। आई एम डूइंग मल्टी थिंग्स एट अ टाइम। सोसाइटी को बहुत फ़ायदा मिला है, ऑफकोर्स मैंने कहा ना जैसे रोज़गार, जो अब हर कोई तो पढ़ा लिखा हो नहीं सकता, मैंने अपने लीगल प्रोफेशन में देखा है कितनी महिलाएँ हैं जो परेशान होती हैं क्योंकि उनके पास लीगल असिस्टेंस नहीं होती है, उनके पास इतनी पढ़ाई नहीं होती है, तो उसके लिए एक रोज़गार किसी को देना वही सबसे बड़ी चीज़ है। जो बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं है वो रोज़गार कहाँ से लाएंगे? आज आप देखते हैं इतनी डिग्रियाँ होने के बावजूद हमारे J&K में एम्प्लॉयमेंट का इशू है, तो जिन्होंने इतनी पढ़ाई भी नहीं की है तो उनको कहाँ से रोज़गार मिलेगा? तो उसके लिए हमने कोशिश जारी की है कि उन वुमेंस को रोज़गार मिले ताकि उनको अपना काम सिखाया जाए, उनको किसी के पास जाके मिन्नत ना करनी पड़े। और जो हमारे यहाँ पर इतना टैलेंट है, आप देख रहे हैं सिंगिंग का, डांसिंग का, आप कॉमेडी बोल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनके लिए उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उनको तराशा नहीं जाता है। तो मैंने ये कोशिश जारी की है एक रोशनी प्रोडक्शंस के थ्रू कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो अपना टैलेंट शोकेस कर सके। थैंक यू सो मच। आई थिंक
एक बहुत बड़ा अवसर है और हमारी अपनी ही मातृ धरती पर जहाँ पे हमारी मातृभाषा है और कश्मीर में होते हुए इस तरीके का अवसर मिलना जहाँ पे HLG ने हम सबको ऑनर किया अपनी प्रेजेंस से और हमें ये अवार्ड नवाजा, ये बहुत बड़ी बात है। आई एम डीपली ऑनर्ड एंड टच्ड। कश्मीरी एक सबकॉन्शियस लैंग्वेज है, तो मतलब मुझे एफर्ट नहीं लगता है, मैं सोचती हूँ कश्मीरी में और फिर जो भी चीज़ आपके कहते हैं ना जहनी तौर पर या सबकॉन्शियस तौर पे आपके साथ होती है वो आपके साथ वैसे ही चलती है और उसमें ये नहीं लगता है आपको कि बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है। तो जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ वहाँ हम अपने आप को साथ लेके जाएंगे और जहाँ पे भी हम बड़े हुए हैं, जो भी हमारी तरबियत है, जो हमारे इन्फ्लुएंसेस हैं, जो कि हमारी कल्चर है, हमारी भाषा है, हमारा ट्रेडिशन है, तो हमारा तो इतना योगदान बनता ही है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है एज यूथ कि हम अपने कल्चर को और पुश करें। आई थिंक शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने चाहिए किसी चीज़ में। ज़िंदगी हर किसी के लिए कठिन है, चाहे आप किसी भी प्रांत में हो, कुछ भी काम कर रहे हो, शॉर्टकट ना ढूंढे। आजकल की दुनिया बहुत ही टच पैड पे चलती है और हमको सब कुछ चाहिए एक मिली सेकेंड में। जैसे कि LG साहब भी बोल रहे थे आज की जब हम बहुत संघर्ष करते हैं और हमें वो चीज़ मिलती है तो उसकी वैल्यू भी बहुत ऊंची हो जाती है। कोई भी काम मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। काम ज़रूर मुश्किल था बहुत, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से इसको करके दिखाया और जो लोगों का हमें सपोर्ट रहा तो उससे काफ़ी मदद मिली हमें, तो अच्छी तरीके से हमने लोगों तक खाना पहुंचाया। जी जो आज मुझे अवार्ड मिल रहा है ये मैं उन सब लोगों के लिए डेडिकेट करना चाहूँगा जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया उस कैंपेन के दौरान। अपनी फैमिली को डेडिकेट करना चाहूँगा, अपनी वाइफ को डेडिकेट करना चाहूँगा और अपनी पूरी टीम को डेडिकेट करना चाहूँगा ये अवार्ड। मुझे लगता है सर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो ये इनिशिएटिव ले चुकी है इस वक्त जहाँ पर ये वो हिडन स्टोरीज़ को सेलिब्रेट कर रही हैं आज जो कश्मीर के अलग अलग रूरल एरियाज़ में हैं या कहाँ कोने में छुपी हुई हैं, उन तमाम स्टोरीज़ को बाहर ला करके उन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्हें एक एजाज से नवाज रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू सेलिब्रेट दीज हिडन स्टोरीज़ और ऐसे तमाम लोगों के लिए राह खुल रहा है कि वो और अच्छा काम करें और दूसरे लोगों के लिए वो मोटिवेशन का एक ज़रिया बने ताकि वो अपने अपने फील्ड्स में बहुत अच्छा काम करें। अब मुझे लगता है सर ये एक ऐसा टाइम है जब हर एक स्ट्रेस था और स्ट्रेस के दौरान मुझे लगता है ये तमाम लोगों की जिम्मेदारी है और उन लोगों पर तो ज़्यादा ही आयद होती है जिनके पास सोशल मीडिया पर कंट्रोल हो या वो ऐसे डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं जहाँ पर उनकी रीच बहुत सारा लोगों तक हो। सिर्फ कॉमेडी की नहीं बात है यहाँ पर, बात है मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था जब हमारे यहाँ कश्मीर से कई सारे स्टूडेंट्स थे जो बाहर पढ़ते थे और कई सारे लोग जो बाहर काम करते थे, अचानक से लॉकडाउन लग गया, वो लोग बाहर फंसे और ऐसे में एक तो उनका लाना चैलेंज था लेकिन उनकी फैमिली को पैनिक होने से रोकना ये बहुत बड़ा काम था। मुझे लगा कि ऐसे में रेडियो, TV और कई सारे स्टार्स ने, मैं तमाम ऐसे लोगों को स्टार्स बोलता हूँ जिन्होंने काम किया और अपने तमाम घर वालों को, उन तमाम लोगों को पैनिक होने से रोका, उन्हें समझाया कि दे आर सेफ और कहाँ वो हैं, जहाँ पर जितने सारे हमारे एंट्री पॉइंट्स थे उन्हें वहाँ पर रोक करके उन्हें सही जगह पर क्वारंटीन करके उनकी फैमिलीज़ को बहुत अच्छा सेफ महसूस कराया। इसमें क्या है ना सर कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब कोविड पैंडेमिक शुरू हुआ तो हमने कई सारे गानों के रिमिक्सेज बनाए, हमने ये अभी एक मिनट की चीज़ नहीं है कि एक मिनट में करके बता सकते हैं, हमारा एक प्रॉपर रेडियो चैनल जहाँ पर मान लीजिए हमने एंट्री पॉइंट जो लखनपुर का था वहाँ जो तब हेड थे या जो कंसर्न अथॉरिटीज़ थी या जो नोडल ऑफिसर थे उनको कनेक्ट करके उनसे एक्चुअल ऑन ग्राउंड डिटेल्स पूछते कि कौन आया, कौन गया, कहाँ कहाँ लोगों को आप बेचते हैं और उन लोगों की डिटेल्स तक हमें बताया क्योंकि वो कश्मीर में और कश्मीर में पूरे कश्मीर भी हमारा रीच है रेडियो का। सो उन फैमिलीज़ को थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कि पैनिक ना हो, ये हमारा काम।